अलावा ऑप्शनल के लिए मैंने नहीं ली, मेरे को लगा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, खुद से पढ़ सकते हैं, तो खुद से ही पढ़ के किया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे सभी दोस्त यहाँ पे आज आए थे जो आपको हमेशा अपडेट देते हैं यूपीएससी से रिलेटेड। सभी दोस्त आए थे, सबकी आईडी हमारे हाथ में है, माइक है और हमारे साथ में एक सर है जो अभी इंटरव्यू दे के आए हैं अंदर से और इनका यह सेकेंड अटैम्प्ट था। इनसे ही बात करेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे और वहाँ पे क्या क्या पूछा गया और जो ये तैयारी करके आए थे क्या उसमें से कुछ आया। सबसे अभी आप इंटरव्यू दे करके आए हैं बाहर, वहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या आप जो पढ़ के आए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन आए? मोस्टली तो जो मेरा डैफ है उससे ही रिलेटेड ही क्वेश्चन थे। जो पढ़ा था मतलब एक्सपेक्टेड लाइन्स पे था, तो जो प्रिपेयर करा था ऑलमोस्ट वहीं से ही था। थोड़ा बहुत सिचुएशनल क्वेश्चंस देते हैं तो वहाँ पे थोड़ी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन सी होती है, बाकी एक्सपेक्टेड ही था। ऑप्शनल आपका क्या था? एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पे जब पहली बार स्टूडेंट आते हैं तो कहीं ना कहीं वो हॉपलेस होते हैं, घबराते हैं, ऐसा लगता है यार अंदर जाएंगे पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको क्या थोड़ी सी घबराहट हुई या नहीं क्योंकि आप पहले भी आ चुके हैं? सर घबराहट तो हुई थी बट मेरे को जो एक्सपेक्टेशन थी रूम जैसा होगा, घुसते ही एकदम से सीट थी, तो वो घबराहट फील करने का ही टाइम नहीं मिला। एसेंशियली सर एकदम से ही स्टार्ट हो गए थे तो घबराहट उस तरह से तो नहीं हुई। बाकी अंदर भी लोगों ने बोला था कि कॉर्डियल ही होता है, ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा इंटरव्यू। तो जो आप पढ़ के आए थे जहाँ से, क्या उसमें से कुछ क्वेश्चन आए या नहीं? हाँ, जैसे मैंने थोड़े बहुत मॉक्स दिए थे तो मॉक्स में जो क्वेश्चन पूछे थे उनमें से भी दो तीन क्वेश्चंस मैच करे थे, तो पढ़ के जो आया था। हाँ, आपने जो मॉक टेस्ट दिए क्या उनसे कुछ आपको हेल्प मिली, आपको लगा कि हाँ यहाँ पे वो कुछ हेल्प कर पा रहे हैं? एसेंशियली मॉक टेस्ट मैंने दिए थे ताकि मेरी जो घबराहट है, नर्वसनेस है, वो हट जाए। तो उस हिसाब से ऑल्दो मेरे को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, बट हाँ फिर भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, तुम थोड़े रिलैक्स हो जाते हो कि हाँ कर सकते हो, थोड़ी बोलने का टैक्ट आ जाता है, बस उतना ही। क्या आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया था, कोचिंग की कोई महत्वपूर्ण भूमिका रही या नहीं इंटरव्यू में? मैंने कोचिंग वाजीराम में करी थी 2019 में, और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के कुछ पोर्शन और पॉलिटी पे मेरे को खासकर मदद मिली थी वहाँ से। इकोनॉमिक्स के सर जो हैं वहाँ पर खासकर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इंटरव्यू के लिए आपने तैयारी कैसे की, क्या आपने सोशल मीडिया की मदद ली या फिर आपने मतलब कोचिंग ने जो कराया था वहीं से ही हेल्प ली है? इंटरव्यू के लिए ज़्यादातर न्यूज़पेपर और डैफ से रिलेटेड क्वेश्चंस ही करे हैं मैंने तो बस। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, तब यहाँ पे पहुँचते हैं। जो छात्र यहाँ पे नहीं पहुँच पाए हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, या फिर यहाँ पहुँचने का सपना देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे पहुँचने के लिए? अपने ऊपर विश्वास रखें, कॉन्फिडेंट रहें और अपनी तरफ से खुद की तरफ सच्चाई से मेहनत करते रहें बस। आपकी हॉबी क्या है सर? फुटबॉल मैचेस देखना और स्केचिंग करना। अंदर लगभग कितने टाइम तक आपका इंटरव्यू चला? 25 मिनट का रहा। क्या वहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा रहे थे, बच्चे को हॉपलेस करने की कोशिश कर रहे थे, डबल मीनिंग वाले कुछ क्वेश्चन पूछे गए या नहीं? थोड़े बहुत क्वेश्चन जैसे होते हैं कि हाँ थोड़ा मतलब इंसान को फील हो, एक दो क्वेश्चन थे उस तरह से, बट कोविड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन थे या नहीं? कोविड से रिलेटेड नहीं कोई क्वेश्चन था। कोई क्वेश्चन नहीं था। करंट पे ज़्यादा थे या फिर मतलब? हाँ मोस्टली करंट से रिलेटेड ही, कंटेम्प्रेरी करंट वैसे। अगर जो न्यू एस्पिरेंट हैं वो कहीं ना कहीं आपको इतने सारे चैनलों पे देख रहे होंगे, उनको किन बातों का ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समस्या ये होती है उनको ये पता नहीं होता कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है। कंटेंट बहुत ज़्यादा है, कोचिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन समस्या एक ही है कि हम क्या ना पढ़ें और क्या पढ़ें, इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो स्टैटिक बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं हर सब्जेक्ट की, उनको तो अच्छे से घोंट लें, उनको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, और उसके आगे करंट अफेयर्स जो है तो अलग अलग कोचिंग के मटेरियल की तरफ ना भागें, कोई भी एक मटेरियल उठा लें और उसको कम मत समझें और बस उसी को अच्छे से कर लें। करंट अफेयर्स के साथ बस ये होता है कि तुम्हें थोड़ी बहुत जानकारी होती है तो तुम आंसर कर सकते हो, बाकी स्टैटिक पे ध्यान दे ज़्यादा। सर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कब से कर रहे हैं? 2019। आप हैं कहाँ से? मैं ओरिजिनली हरियाणा से हूँ। हरियाणा के स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि वो ज़्यादातर खेल में आगे रहते हैं, आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने आए हैं, वो लोग भी देख रहे होंगे, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अगर अभी भी खेल खेल रहे हैं तो खेलते रहें, खेल को भी साथ साथ चालू रखें अपनी पढ़ाई के साथ, दिमाग खुला रहेगा और बस उतना ही। ऑनलाइन कोचिंग करते थे आप या फिर ऑफलाइन? ऑफलाइन ही करी थी मैंने। तो करोल बाग में रहते हैं या ओल्ड राजेंद्र नगर? अभी मतलब उस टाइम में ओल्ड राजेंद्र नगर में रहता था। कोचिंग आपकी पहले ही कंप्लीट हो गई थी या फिर अभी भी आप ले रहे हैं? नहीं, कोचिंग पहले कंप्लीट। कोचिंग का क्या इसमें एक महत्वपूर्ण रोल रहता है या फिर सेल्फ स्टडी करके भी हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं? जिसके पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है तो वो कोचिंग ले सकता है, उसको समझने के लिए, समझ ज़रूरी है,
तो मेरे पास नहीं था इकोनॉमिक्स और पॉलिटी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में कोई खास बैकग्राउंड नहीं था, तो इसलिए मैंने कोचिंग ली थी, तो मेरे को फ़ायदा हुआ था इकोनॉमिक्स पे खासकर। और उसके अलावा ऑप्शनल के लिए मैंने नहीं ली, मेरे को लगा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, खुद से पढ़ सकते हैं, तो खुद से ही पढ़ के किया। एक डाउट रहता है बहुत सारे स्टूडेंट का, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो उससे पहले कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट वगैरह है जमा कराए जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का डाउट है जो लोग यहाँ नहीं पहुँचे, क्या पहले कोई डॉक्यूमेंट जमा कराए जाते हैं, क्या होता है? वो सब कुछ ऑनलाइन जो है वो बता दिया जाता है कैंडिडेट को, कि बेसिक तो ये होता है 10th की मार्कशीट लगती है, और उसके आगे तुम्हारे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लगता है, और जो एक आईडी है वो लगेगी, बस एसेंशियली इतना ही होता है, बाकी सब कुछ बता देती है यूपीएससी। आप अंदर गए थे, अभी बाहर आए हैं, कैसा फील हो रहा है? रिलैक्स्ड। आपने पूरी कोशिश की है कि सही तरीके से देखें इंटरव्यू आने की, या हाँ, फिर ऐसा लग रहा है डर हो रहा है कि पता नहीं यार क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हो रहा है? देखो अनसर्टेनिटी तो होती है, अब जैसे मेंस में मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि क्लियर होगा, बट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा खुश हो रहा हूँ, बट क्या पता ना हो, तो इसलिए मतलब मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं अपनी तरफ से अपना काम कराया बस उतना ही मेरे लिए था। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, आपके लिए हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।